हेलो फ्रेंड्स, मैं राजन मिश्रा ऑटो डॉट ट्यूटोरियल लीडर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक है ना, वो पासेस है, ठीक है, भारत के दर्रे। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इसको बताने से पहले, पासेस बताने से पहले, मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा ना कि पासेस होते क्या हैं। देखो फ्रेंड्स, तो आपको जो भी चीज़ मैं बताऊंगा ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा, और कहीं ना कहीं एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स, और इसे हट के नहीं आएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। देखो, तो पासेस सबसे पहले समझ लो कि पासेस होते क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे जो हिमालय के जो रेंजेस है ना, हिमालय जो हमारा है ना, कहीं ना कहीं उसकी जो एवरेज हाइट है ना फ्रेंड्स, वो 6000 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। जो हमारा हिमालय है उसकी जो एवरेज हाइट है, ठीक है, वो 6000 मीटर है, ठीक है। और पासेज होते हैं ना, दो पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, उसी को पासेज यानी दर्रा बोला जाता है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, उतने बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, मान लो कि हमें इस पहाड़ से उस छोर पे जाना है, ठीक है, दो पहाड़ हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पे ये दो पहाड़ हैं, ठीक है, एक ये पहाड़ हो गया, ठीक है, मान लो यहाँ से ये डायरेक्ट ऐसा ही रहता, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से खाली नहीं रहता, ठीक है फ्रेंड्स। मान लो इसकी हाइट 6000 मीटर है, 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर, तो यहाँ पे काट के इसको रास्ता बनाना, उस साइड में अगर हमको जाना हो, मतलब मुश्किल है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या है, नेचुरल भगवान ने या गॉड ने, ठीक है, एक्चुअली हमको परमानेंट, हम लोगों को तो परमानेंट एक रास्ता दिया हुआ है, दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, ठीक है, उसी को पासेज बोला जाता है, उसी को दर्रा बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे जितने सारे स्टेट्स हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे फ्रेंड्स, एक एक करके हम जानेंगे कि वो पासेज किस स्टेट में है, जो क्वेश्चन कैसे पूछता है ना कि ये पासेस किस स्टेट में है, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, इससे हट के कुछ नहीं आता। ये ज्वाइंट किसको करते हैं, बहुत रेयर केस में पूछता है, अदरवाइज आपको पूछेगा ना कि मान लो रोहतांग पर किस स्टेट में है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखो एक चीज बता दूं, ये सारे हिमालय रेंजेस के हैं, ठीक है, ये हिमालय जो माउंट हिमालय है ना हमारा, उसी के हैं, कोई रेंजेस अलग अलग है, लद्दाख रेंजेस के कुछ है, कुछ ग्रेट हिमालय के, कुछ पूर्वांचल श्रेणिया के, ठीक है फ्रेंड्स। उसको हमको नहीं पढ़ना, जब माउंटेन्स पढ़ाएंगे ना हम, आपको सारे क्लियर करवा दूंगा मैं, ठीक है। अभी जान लो ये पासेस कहां कहां है और किस किस स्टेट्स में है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पहले बात आती है हमारी जम्मू कश्मीर की, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में फ्रेंड्स बहुत सारे पासेस है, छोटे छोटे पासेस बहुत सारे हैं, बट हमें उतना ही पढ़ना है ना जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, ओके फ्रेंड्स। देखो, तो जम्मू कश्मीर सबसे इंपॉर्टेंट जो ये दर्रा है ना फ्रेंड्स, वो है हमारा काराकोरम दर्रा, ठीक है। काराकोरम दर्रा भारत और चाइना को जोड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स, और काराकोरम रेंजेस में है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है हमारा बुर्जिल दर्रा, ठीक है, पहला जो दर्रा है ना, पहला जो पास है काराकोरम पासेस है। नेक्स्ट हमारा है बुर्जिल दर्रा, तीसरा है जोजिला दर्रा, ठीक है, और चौथा है हमारा बनिहाल दर्रा, पांचवा है पीर पंजाल दर्रा, और छठा है चांगला दर्रा, और फिर खारदुंगला दर्रा, ठीक है। आपको यही सात याद रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे दर्रा होते हैं, जैसे कि फोटू दर्रा हो गया, गंदा दर्रा हो गया, जोंग दर्रा हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। ये भी सारे ना जम्मू कश्मीर में है, और भी बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनको हमको नहीं पढ़ना। यही सात, मतलब इसी से क्वेश्चन पूछता है, इससे हटके कहीं नहीं पूछता, ठीक है। तो आपको ये सात ही याद रखना है। और फ्रेंड्स देखो, ट्रिक से कोई चीज ट्रिक नहीं होता, ठीक है। ट्रिक मतलब रेयर केस में जो बहुत हार्ड होते हैं उसके लिए ट्रिक बनाया जाता है। ये चीज आपको याद हो सकता है, याद कर सकते हो, क्योंकि काराकोरम रेंजेज आपको पता है, ठीक है, और बुर्जिल दर्रा आपको पता है, नेशनल जो नेशनल हाईवे 1 है ना, उसी पे बुर्जिल दर्रा बना हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका यार जोजिला दर्रा, ठीक है, जोजिला दर्रा है ना, जो हाईएस्ट माउंटेन, क्या बोलते हैं, रेंजेस है, मतलब कि पासेस है, सबसे हाईएस्ट माउंटेन पासेस है, कौन सा, ये जोजिला दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका या कौन सा, बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जो कश्मीर से वेस्ट इंडिया को जोड़ता है, जो कि आपको पता है ना कि जो जौहर सुरंग, जो जौहर टनल बनाया गया था ना 1956 में, ठीक है फ्रेंड्स, इसी में बनाया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट आपका है पीर पंजाल दर्रा, ये मनाली से लेह को जोड़ता है, ये नेशनल हाईवे 21 पे बनाया गया है, ओके फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट हमारा है ना चांगला दर्रा, चांगला दर्रा जो है लद्दाख से खारू शक्ति विलेज, ये लद्दाख में है, लद्दाख रेंजेस में, और खारू शक्ति विलेज का गेटवे है, ठीक है ये। नेक्स्ट आपका हो गया खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा क्या है, गेटवे ऑफ स्योंक एंड नोगरू वैली, ठीक है, एक वैली है स्योंक वैली, उसी का क्या गेटवे है, वो वहां से जाने का रास्ता है खारदुंगला दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जम्मू कश्मीर में हमें इतना ही पढ़ना है, ठीक है। ये दर्रा आप लोग क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, एक बार नोट कर लेना है और 5 बार रिपीट करना है, आपको याद हो जाएगा। देखो ट्रिक अगर बनाना है ना, आप लोग खुद से बना सकते हो, सबके अप्रोक्स सब जितने सारे दर्रे हैं ना फ्रेंड्स, उसके लास्ट में ना ला 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 है, ला 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 ला, ठीक है, ला 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 ला, ये चीज है, ठीक है फ्रेंड्स।
तो इससे आप ट्रिक बना सकते हो कि लास्ट में जो लॉ है इधर भी एक्चुअली देखो सब में नहीं होगा, क्योंकि नाथुला दर्रा है, नाथुला हुआ आपका ज्योपला जल्दा दर्रा हुआ, वो सारे लोग में भी ला है, लेकिन ये जम्मू कश्मीर में नहीं है। ठीक है, रेयर केस में आपको बस बेसिकली इतना याद रखना है ना कि जिसके अंत में लॉ 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 है ना, वो मैक्सिमम जो होता है दर्रा है ना, वो जम्मू कश्मीर में होता है। ओके फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। जो हमारा नेक्स्ट स्टेट है ना फ्रेंड्स, वो उत्तराखंड है। उत्तराखंड में जो इंपॉर्टेंट जो दर्रे हैं ना फ्रेंड्स, वो तीन ही है। ठीक है, वो पहला आपका हो गया माना पास, ठीक है, दूसरा हो गया नीति दर्रा, और फिर तीसरा हो गया फ्रेंड्स लिपू लेक दर्रा। ठीक है, ये हमारा कहाँ पे है फ्रेंड्स, ये आपका उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट हमारा स्टेट है फ्रेंड्स, वो है हमारा सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में देख लो, सिक्किम में जो सिक्किम में दो दर्रे इंपॉर्टेंट है, पहला आपका नाथुला दर्रा हो गया, और नेक्स्ट हो गया फ्रेंड्स कौन सा, जेपला दर्रा। ठीक है, जलेपला दर्रा। ओके, ये चीज आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है अरुणाचल प्रदेश। गवर्नर फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा जो आया है ना, उसमें पहला है बोमडिला दर्रा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका जो पहला दर्रा है बोमडिला दर्रा है, दूसरा है बोमला बूमला, दूसरा है फ्रेंड्स बूमला बूमला दर्रा। ठीक है, देखो बॉस से बोमडिला दर्रा, फिर बूम बूम आया, इसे याद रखना, आप लोग ज्वाइन कर लेना कि बोम और बूम। ठीक है, दोनों कहां है, अरुणाचल प्रदेश में, ऐसे याद रखना। और फिर देखो फ्रेंड्स दिहांग, नेक्स्ट है आपका इसमें दिहांग पास। ठीक है, दिहांग आपको बताया था ना फ्रेंड्स, जो हमारी जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, वो दिहांग घाटी से क्या बोलते हैं गुजरती है, किसमें इंटर करती है, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में, और वहां पे अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो चीज मैंने आपको रिवर सिस्टम बताया था, तो आपको याद होगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा दिहांग, दिहांग दर्रा। ठीक है, तो हमारे उसके पास है ना योंग्याप्पा दर्रा। ठीक है, यो जो पासेस है योंग्याप्पा दर्रा से ना, वो इंटर करती है भारत में, योंग्याप्पा दर्रा ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, योंग्याप्पा दर्रा हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया पंगसाद दर्रा। पंगसाद दर्रा ये भी एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, याद रखना इसको, पंगसाद। ठीक है फ्रेंड्स, ये थी हमारी अरुणाचल प्रदेश की दर्रा, इसे आप लोगों को याद रखना है। पहला हमारा बोमडिला दर्रा है, दूसरा बूमला दर्रा है, फिर तीसरा है दिहांग दर्रा है, फिर योंग्याप दर्रा है, फिर पंगसाद दर्रा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये पांच दर्रे इंपॉर्टेंट है किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। बाकी छोटे छोटे वहां पे भी है फ्रेंड्स, जो कि एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, जो पूछे जाते हैं वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसे आप लोग नोट कर लो फ्रेंड्स। जो नेक्स्ट फिर हमारा है ना, वो है हिमाचल प्रदेश, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको इसे याद करना है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, हिमाचल प्रदेश। देखो हिमाचल प्रदेश में क्या आता है, जो हमारा पहला दर्रा है ना फ्रेंड्स, वह है रोहतांग दर्रा। ठीक है, रोहतांग ये हमेशा पूछा जाता है, रोहतांग दर्रा। फिर आपका है सिपकिला दर्रा, फिर फ्रेंड्स आपका है जो बरालच्छा दर्रा है। ठीक है, बरालच्छा दर्रा, बरालच्छा के बाद फिर आया सिंगो दर्रा। ठीक है, सिंगोला, सिंगोला दर्रा, सिंगोला। ठीक है, ला लास्ट में करना है, सिंगोला दर्रा, सिंगोला, सिंगो सिंगो और फिर ला दर्रा, सिंगोला दर्रा। फिर नेक्स्ट है फ्रेंड्स आपका देवासा, देवासा पर्वत है वहां पे, देवासा पास। ठीक है, देवासा पास उसको बोला जाता है, देवासा पास या देवासा पास, पासेस को ही हिंदी में दर्रा बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी हमारी ना पांच दर्रे किसमें, हिमाचल प्रदेश में, और फिर पांच थी हमारी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है फ्रेंड्स, ये चीज आपको एक नंबर पूछेगा ही पूछेगा, आप अगर रेलवे एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो
तो उसमें एक नंबर ये पूछना ही पूछना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका कोई ट्रिक मैंने नहीं बनाया है, क्योंकि इसे आप लोगों को याद करना है, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे ना फ्रेंड्स, इसलिए मैं ट्रिक नहीं बनाया हूं ना फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम माउंटेन्स पढ़ेंगे ना तो वहां पे ना ऐसे ही रोहतांग रहेगा, ठीक है, ना कि ट्रिक में आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को ये याद करना है, ठीक है, इसलिए मैं किसी कोई ट्रिक नहीं बताया हूं, इसे आप लोग नोट कर लो फ्रेंड्स। फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेट आता है ना वो है मणिपुर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेट है फ्रेंड्स मणिपुर। मणिपुर में जो है ना एक ही दर्रा है हमारे मणिपुर में, एक ही अच्छे दर्रा है, क्या बोलते हैं, सॉरी एक ही जो फेमस दर्रा है उसका नाम है तुजू, तुजू दर्रा, तुजू दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। इसे आप लोगों को याद रखना है, तुजू दर्रा, मणिपुर में तुजू है और तुजू दर्रा है, ठीक है। ये थी हमारी फ्रेंड्स दर्रा, ठीक है फ्रेंड्स। देखो इससे हट के कोई भी एग्जाम में नहीं पूछता है, इतना इतने ही सेट से पूछे जाते हैं, ठीक है। जब मैं आपको प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा ना, वो जो प्रायद्वीपीय भारत में जो दर्रे हैं, जो प्लेट्यूज के दर्रे हैं, ठीक है, वो चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, जब मैं प्लेट्यूज पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम कंटिन्यू करते हैं फिर। देखो फ्रेंड्स अभी हमने पढ़ा पासिस, ठीक है फ्रेंड्स, उसी में आता है ना हमारा घास का मैदान, एक छोटा टॉपिक है, ठीक है। एक्चुअली देखो घास के मैदान जो बनाया जाता है ना, हमारी जो हिमालयन रिवर होती है उनके द्वारा बनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। क्या होता है, समतली भागों में जाती है और वहां एक घास का मैदान बनाती है, बड़ी बड़ी घासें उगती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एग्जाम में ऐसे पूछता है ना, देखो दो ही स्टेट्स ऐसे है ना जिसके घास के मैदान बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स, जिसको हमको जानना ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है फ्रेंड्स यही छह चीज है, ये तीन हुआ, ये दो पांच हुआ, पांच ही में से एक ना कहीं पूछता है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसलिए मैंने पासेज में ही ना, छोटा टॉपिक था तो पासेज में इंटर कर दिया मैंने, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तो पहला बार आता है ना घास के मैदान में फ्रेंड्स, ये जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू और कश्मीर में ना फ्रेंड्स घास के मैदान को बोला जाता है मर्ग, ठीक है। मर्ग से देखो, मर्ग से बात आई ना फ्रेंड्स, जो जम्मू कश्मीर में घास के मैदान है ना फ्रेंड्स, एक टूरिस्ट प्लेस भी है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को याद रखना है, बहुत सारे आप लोगों में से लोग गए भी होंगे यहाँ पे। देखो जो जम्मू कश्मीर में बोला जाता है मर्ग, किसको, घास के मैदान को, ग्रासलैंड जो होता है जम्मू कश्मीर में उसको बोला जाता है मर्ग, ठीक है फ्रेंड्स। देखो तो उसमें पहला जो घास का मैदान है ना फ्रेंड्स वो है गुलमर्ग, फिर जो दूसरा है ना फ्रेंड्स वो सोनमर्ग, और जो तीसरा है ना फ्रेंड्स वो है तनमर्ग, ठीक है। आपको ऐसा याद रखना है, गुल सोन और तन, और मर्ग तो घास के मैदान को ही बोला जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा भी आपके मन में ना हो ना, आपको बस याद रखना है ना कि जो एग्जाम में पूछेगा ना, जम्मू कश्मीर से पूछेगा या आपके उत्तराखंड से पूछेगा, यही दो स्टेट से पूछता है, और मैक्सिमम जो घास के मैदान है वो क्या बोलते हैं एवरेज जो है ना इसी दो स्टेट में है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखो बात आती है उत्तराखंड की, उत्तराखंड में घास के मैदान को बोला जाता है बुग्याल, ठीक है फ्रेंड्स। बुग्याल बोला जाता है किसको, घास के मैदान को उत्तराखंड में, और इसमें क्या बोला जाता है फ्रेंड्स, मर्ग। तो आपको बस कंफ्यूज नहीं होना है, आपको आ गया क्वेश्चन, आपको याद नहीं है तनमर्ग कहाँ है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है ना कि मर्ग बोला जाता है जम्मू कश्मीर में, और फ्रेंड्स बुग्याल बोला जाता है किसमें, उत्तराखंड में, बस इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, ठीक है। हाँ आपको अगर याद कर लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं होता है तो बस आपको इतना याद रखना है, बुग्याल बोला जाता है और मर्ग बोला जाता है, ठीक है, घास के मैदान को। तो बुग्याल ये उत्तराखंड में बुग्याल बोला जाता है, तो फ्रेंड्स दो घास के मैदान है इंपॉर्टेंट वहां पे, ठीक है। पहला आपका है औली बुग्याल और दूसरा है फ्रेंड्स दायरा बुग्याल, ठीक है। ये थी हमारी फ्रेंड्स घास की मैदान, ठीक है, दो ही शेयर्स में जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको यहां पर डिस्कस कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ, नए उमंग से फ्रेंड्स। आप लोग ने वीडियो लाइक किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। और फ्रीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लो, और शेयर कमेंट और लाइक करना प्लीज। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।